हाय फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने चेहरे से झुर्रियां, झाइयां, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, कील मुहासे, काले दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं और अपने चेहरे को चमकदार, खूबसूरत किस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक में ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर रूखापन है, आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, तो आज की इस नुस्खे से आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपका चेहरा ग्लोइंग करेगा, चमकदार बन जाएगा। आपके चेहरे से सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और साथ ही इस नुस्खे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है नुस्खा और इसको बनाने में बहुत ही आसान है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्लीन बाउल ले लीजिए और सबसे पहले आपको एक टमाटर लेना है। इस टमाटर को बीच में से इस तरीके से दो भागों में कट कर लेना है और कट करने के बाद आपको आधा टमाटर का रस इसके अंदर ऐड कर देना है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ऐड करना है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। फ्रेंड्स, दूध हमारी स्किन को क्लीन करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बना देता है, तो हमें यहाँ पे 1 से 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध ऐड करना है। तीसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप ग्लिसरीन की जगह कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाती है, हमारे चेहरे से झुर्रियों को खत्म करती है, हमारे चेहरे को चमकदार बनाती है। हमें यहाँ पे 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करनी है। और फाइनली अब आपको इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये देखिए हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसे किस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक कॉटन लेनी हो, इस कॉटन को इस तरीके से इसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपको अपने साफ चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करना है। इसको आपको 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है फेस पर। फ्रेंड्स, 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप अपने फेस पर इसको 5 से 10 मिनट तक अपने फेस पर इसको लग रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको इसका एक ही बार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं अपने हैंड को वॉश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने हैंड को वॉश करके आ गई हूँ और अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इसका एक ही बार के इस्तेमाल से। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे इसका देखने को मिला है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। आपको भी इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा इसका, आप भी इसे जरूर यूज कीजिएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर यूज कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है आपके चेहरे के लिए। आपको इसे वीक में 2 से 3 बार यूज करना है, बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 वीक के लिए। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है आपके चेहरे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका सबसे पहले फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।